जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ छेड़े विशेष अभियान के तहत नारकोटिक सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारकोटिक सेल की टीम ने कोठी गांव में छापामारी के दौरान एक दंपत्ति को 40 किलो 238 ग्राम भुक्की सहित पकड़ा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी कि झंगराड़ा कोठी एरिया में नशीले पदार्थों की तस्करी के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर पुलिस निरंतर नजर रखे हुए थी। जिला नारकोटिक कांगड़ा सेल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने अपने पुलिस पार्टी के साथ कोठी गांव के आसपास गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि कोठी गांव में मुख्य रोड के किनारे एक घर में पति पत्नी घर में ही नशा बेचने का काम करते हैं। सेल की टीम ने सूचना के आधार पर बताए गए घर में दबिश दी और पूरे घर में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान घर के पीछे बनाए गए एक स्टॉल में छुपा कर रखे 40 किलो 238 ग्राम भुक्की बरामद हुई है। नारकोटिक सेल की टीम के प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि नशे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार करके थाना इंदौरा में मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नारकोटिक सेल की टीम यहां इस एरिया में गश्त पेट्रोलिंग पे थी तो किसी खास व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि जो यहां इस गांव घर का जो मालिक है देशराज सनक बाबूराम, इसके घर में भुक्की स्मगल हो रही है। मतलब यहाँ से अगर तुरंत रेड की जाए तो काफ़ी मात्रा में इसके घर से भुक्की चूरा पोस्त बरामद हो सकता है। इस संदर्भ में हमने सीनियर अधिकारी को सूचित किया व स्थानीय गुआ को लेकर इनके घर में रेड करी तो इनके घर के पिछली तरफ यहाँ जो स्टोर नुमा कमरा है उस कमरे की दौरान तलाशी, उसमें दो बड़ी बोरियाँ और एक छोटी बोरी जो चेक करने पर इसमें सभी तीनों बोरियों में भुक्की पाई गई, जो तोलने पर जो अलग अलग लिफाफों में पोलोथीन लिफाफे में भुक्की बंद थी और बोरू में तोड़ने पर कुल 40 किलो 238 ग्राम पाई गई, जो NDPS Act की धारा 15 के तहत अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके इनको कार्रवाई अमल में ला जा रही है।